हेलो फ्रेंड्स, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12। आप क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल। हमें एक डायगोनल स्केल बनाना है जिसको हिंदी में विकर्ण मापनी बोला जाता है। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए भी रहता है। कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल टू रीड किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। ये हमें एक स्केल बनानी है जिसमें ये तीन यूनिट हम शो कर सकें, किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। टू अ स्केल आर एफ, इस वाले क्वेश्चन में आर एफ हमें डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम गिवन डेटा में आर एफ डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। एंड मेजर अप टू इट अ लेंथ ऑफ 6 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मेजर ऑन इट अ लेंथ ऑफ 6 किलोमीटर, 4 हेक्टोमीटर एंड 3 डेकामीटर। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आर एफ हमारे पास दिया हुआ था 1/50,000, ये आर एफ हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, तो 1/50,000। उसके बाद जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर चलिएगा 12 की तरफ, आर एफ दैट इज मेजर ऑन इट अ लेंथ, इसमें मेजर करना है, मेजर ऑन इट लेंथ ऑफ द 6 किलोमीटर, 4 हेक्टोमीटर, 3 हेक्टोमीटर। तो ये मेजर करना है, मेजर मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा तब हम इसको मेजर करेंगे। बट क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास मैक्सिमम लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ नॉट गिवन। मैक्सिमम लेंथ इज़ नॉट गिवन, तो मैक्सिमम लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है, मैक्सिमम लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है, बट हमारे पास ये कह रहा है कि मेजर यानी कि शो करना है। उसमें हमको 6.43 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर ये शो करना है। तो इसमें थोड़ा लेट करना पड़ता है मैक्सिमम लेंथ, तो मैक्सिमम लेंथ हम उतना लेट करेंगे जितना हमारे पास शो करना होता है। तो जितना शो करना होता है ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही हमें मैक्सिमम लेंथ लेना पड़ेगा। इस समय जो वैल्यू दिए हुए 6.43 किलोमीटर की टर्म में दी हुई है, तो इससे ज़्यादा ही हमको लेना पड़ेगी। तो हम चाहें तो 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, व्हाटएवर हम ले सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने जो लिया हुआ है लेट मैक्सिमम लेंथ इक्वल्स टू 7 किलोमीटर, ये लेट करना पड़ेगा हमें। उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला हमें पता है कि आर एफ इंटू एम एल होता है, जिसको हम सेंटीमीटर में हमेशा फाइंड करते हैं। आर एफ की वैल्यू रख दी 1/50,000 और मैक्सिमम लेंथ 7 किलोमीटर जो मैंने मेजर लेट किया हुआ वो रख दिया। किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 10^5 से हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो 1/50,000 इंटू 7 किलोमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10^5 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेंटीमीटर लिख दिया। इस कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल निकल के आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम 14 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है क्योंकि हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल आ चुका है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके कुछ पार्ट्स करना होते हैं। पार्ट्स डिपेंड करता है कि हमारे पास मैक्सिमम लेंथ कितना हमने लेट किया हुआ है। तो क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ हमने लेट किया हुआ है 7 किलोमीटर, तो इट मींस इस लाइन के 7 पार्ट्स करना पड़ेंगे। 7 पार्ट्स करने के लिए मैंने यहाँ से किसी भी एंगल पर कितनी भी साइज की एक लाइन ले ली और पहले इसके 7 पार्ट्स कर लेता हूँ। तो छोटे छोटे पार्ट्स मैंने इसमें लगाए हुए हैं 7 इक्वल डिस्टेंस पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यहाँ से मेजर किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो लास्ट वाला जो पार्ट रहेगा उस पार्ट को लाइन के लास्ट कॉर्नर से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो हल्की पेंसिल से रहेगी। लास्ट पॉइंट इट मीन्स दिस, लाइन का लास्ट कॉर्नर इट मीन दिस। यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। स्केल को सरकाते हुए आगे की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एक लाइन फिर ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से सारी लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने 7 पार्ट्स कर दिए हुए हैं। 7 पार्ट्स करने के बाद इसकी जो नेमिंग करनी होती है, यहाँ पर ही लिखा जाता है 0। मैक्सिमम लेंथ था मेरे पास 7 किलोमीटर, तो जो यूनिट चलेगी वो किलोमीटर में चलेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो यूनिट लिखी जाएगी वो किलोमीटर लिखी जाएगी। और यहाँ पे 1, 2, 3 ये मैंने किलोमीटर लिखा हुआ है, 6 यहाँ से 0 से लेकर 6 किलोमीटर ये हो गया। 1 पार्ट 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 इज़ देयर एंड 1 इज़ हेयर, टोटल 7 किलोमीटर हमारे पास हो चुका है। अगेन इस डिस्टेंस के हमें 10 पार्ट्स करना है, तो 10 पार्ट्स करने के लिए मैंने किसी भी एंगल से एक कितनी भी बड़ी लाइन लेके जाऊंगा और उसके पहले 10 पॉइंट्स लगा लूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से एक लाइन ले ली कितनी बड़ी और इक्वल डिस्टेंस पर 10 पॉइंट्स लगा लिए। 10 नंबर वाला जो पॉइंट है दैट इज़ द दिस पॉइंट, इसको 0 से मिलाते हुए एक लाइन लेके जाऊंगा और
आगे नेक्स्ट पॉइंट से पैरेलल लाइन लेके जाऊंगा, तो ऐसे ही सबके लिए लाइनें जाएंगी। ऐसे करते हुए मैंने देख सकते हैं कि 10 पार्ट्स कर दिए हैं। तो 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस था, ऐसे ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर के 10 पार्ट्स कर दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो ये यूनिट बनेगा वो बनेगा हेक्टोमीटर। किलोमीटर के 10 पार्ट्स करने के बाद हमारे पास हेक्टोमीटर बनता है, तो यहाँ पर 10 लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ से 90 डिग्री का एंगल ले जाते हुए एक लाइन लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, लेकिन 5 सेंटीमीटर की लीजिएगा तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से 90 डिग्री का एंगल ले जाते हुए एक लाइन लेके गया। ये वाली लाइन मैंने 5 सेंटीमीटर के लिए, क्योंकि मेरे को 10 पार्ट्स करने थे, तो मैंने 5 5 mm पर 50 mm पर टोटल 10 पार्ट्स लगा दिए। और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ये वाली, और ऐसे ही इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ऐसे ये वाली ले जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा काम करना होता है इस वाले ब्लॉक में, तो इसको अच्छे से आप लोग सीख लीजिएगा। यहाँ पर करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे ये 10 नंबर का पॉइंट है, ऐसे ये 9 नंबर का पॉइंट होगा। तो 9 नंबर वाले पॉइंट को हमने यहाँ पर टारगेट करते हुए लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन आएगी जो थोड़ी इंक्लाइंड होगी, वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। ठीक है, इसी लाइन के पैरेलल अगले पॉइंट से एक लाइन फिर ड्रॉ करेंगे, फिर एक और ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे सारी लाइनें होंगी जो सब एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जीरो वाले पॉइंट से भी लाइन लेके जाना है, अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं। और फिर पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल, हर एक पॉइंट सारे पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसके 10 पार्ट्स किए हुए हैं, किलोमीटर के 10 पार्ट्स किए, तो हमारे पास ये हेक्टोमीटर बन गया। हेक्टोमीटर के 10 पार्ट्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो यूनिट लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी डेकामीटर। यहाँ पर मैंने लिख दिया है डेकामीटर 10, 9 के बाद 8 6 4 2, और ये हो जाएगा 0। तो एक एक छोड़कर मैंने लिखा हुआ है, और सारी लाइन के पैरेलल जो वर्टिकल लाइन गई थी, हर एक लाइन के पैरेलल जितने भी पॉइंट्स हैं सभी से हम लाइनें लेके जाएंगे लाइक दिस। तो ये हमारे पास पूरी स्केल बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा चल रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ फिर हम वापस चलते हैं। कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल हमारे पास किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर 3 यूनिट शो कर चुके हैं, देख सकते हैं आप। किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर, RF ये दिया था, और इसमें जो हमें शो करना था ये देख लीजिएगा, 6 किलोमीटर, 4 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर, 6 4 3, 6 किलोमीटर। तो यहाँ से हम चलेंगे इधर की तरफ 6, ये वाला ले लिया हमने 6 किलोमीटर, ये तो हो गया 6 किलोमीटर। उसके बाद शो करना था हमारे पास 4 हेक्टोमीटर, तो 4 की तरफ आप देखिएगा, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा 4 हेक्टोमीटर। तो 0 से चलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर, 2 3 4, ये हो गया 4 हेक्टोमीटर। 4 हेक्टोमीटर के बाद हमें जो शो करना था 3 डेकामीटर, तो डेकामीटर ऊपर है, तो 1 2 3 4, 1 2 3, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को थोड़ा बोल्ड कर देंगे और इस लाइन के पैरेलल ऊपर एक लाइन लेके जाएंगे स्केल के बाहर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम शो कर देंगे कि हमारे पास ये 6.43। तो यहाँ पर मैंने 6 किलोमीटर, 4 हेक्टोमीटर एंड 3 डेकामीटर, जिसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके शो किया हुआ है, जिसको मैंने 6.43 किलोमीटर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। थैंक यू।